ध्यान सीखने के लिए या जो लोग रोज ध्यान करते हैं तो उन्हें कोई गुरु की जरूरत है। आज के इस वीडियो में अध्यात्म से जुड़े इस बहुत महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा। बहुत से लोग ध्यान करना सीखना चाहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहते हैं, पर सही जानकारी ना मिलने के कारण सिंपल बात को भी बहुत कठिन समझने लगते हैं। जबकि सरल इंसान को सरलता से ध्यान लगता है और सरलता से ध्यान उपलब्ध होता है। आप पहले सरल बने। आज के कंप्यूटर और गूगल के जमाने में जहाँ हर प्रकार की जानकारी फिंगर टिप पर मिलती है और कई सारी किताबें, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो क्या वाकई में अध्यात्म के मार्ग में चलना यानी ध्यान, धारणा, समाधि, कुंडली जागरण की विधियों को समझने और उसके प्रयोग के लिए गुरु की आवश्यकता है? जहां गूगल बाबा आपके हर सवालों का उत्तर दे देते हैं, ऐसे में आपको असली बाबा यानी किसी असली गुरु की कितनी जरूरत है? आइए इस बात को समझते हैं। आपके मन में यह सवाल भी जरूर उठता होगा, क्या हम बिना गुरु के, किताब की नॉलेज और यूट्यूब के वीडियो को देखकर ध्यान सीख सकते हैं? क्या वाकई में गुरु की बहुत आवश्यकता है? तो आप सभी लोगों को पहले यह समझना होगा कि ध्यान करना, एक घंटा ध्यान कर लेने मात्र से आप कोई महायोगी या बड़े साधक नहीं हो जाओगे, जिसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी हो जाए। बहुत से लोग ध्यान सीखना शुरू करने से पहले इतनी सारी फिजूल की बातें और जानकारी जमा कर लेते हैं जिसकी हद नहीं, जैसे कुंडली जागरण, चक्र जागरण, समाधि और जाने क्या क्या। आप कोई योगी बनने के लिए ध्यान नहीं कर रहे हैं और न ही आप कोई तपस्या कर रहे हो। अगर आप एक घंटे ध्यान कर रहे हो तो उससे आपके जीवन में हर काम में एक एकाग्रता आती जाएगी, हर काम में मन लगेगा। एक घंटा ध्यान करने से दूसरों से ज्यादा अच्छे विचार और विचार करने की क्षमता बढ़ेगी, आप में सही डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी और आप किसी भी कार्य को करोगे उसमें सफलता का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो जो भी लोग एक घंटा ध्यान करते हैं वे सांसारिक कार्यों को अच्छे से करते हुए अपने जीवन को दूसरे से अच्छा निर्वाह कर पाएंगे और फिजूल की चिंता और दुख में कभी नहीं पड़ेंगे। तो जो लोग सिर्फ एक घंटे ध्यान करते हैं उन्हें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। ध्यान क्यों करना चाहिए उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर उसे आप देख सकते हैं। पर रुको, अब ध्यान से सुनो। जो लोग ध्यान में 2-4 घंटे या 6 घंटे तक लगातार बैठ जाते हैं और गहन ध्यान तक पहुंच जाते हैं उन्हें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। जो 6 घंटे तक बैठ सकते हैं आध्यात्मिक यात्रा में तेजी लाने के लिए। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जब आपको कोई यात्रा करनी ही नहीं तो आप ट्रेन या एरोप्लेन की टिकट क्यों खरीदोगे? ठीक उसी प्रकार यदि आपको गहन साधना नहीं करनी है तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीन काल में भी दो प्रकार के साधक या योगी या तपस्वी होते थे, जिसमें पहले प्रकार के वे साधु जिन्हें भगवान की भक्ति करना पसंद था और जो साधना करते थे ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए। दूसरे प्रकार के तपस्वी या साधक वे थे जो किसी विशेष फल की प्राप्ति या सिद्धि के लिए तपस्या करते थे। ऐसे लोगों को गुरु की आवश्यकता पड़ती थी। फलाहार यानी फल से पेट भरना, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, यह तरीके को अपनाकर जो दिन के 10 से 12 घंटे ध्यान करते हैं उन्हें गुरु की जरूरत होती है। आप कहोगे 10 से 12 घंटे ध्यान? तो हाँ भाई, कई लोग अपना इतना टाइम ऑफिस में रोज गुजारते हैं तो ये कोई असंभव बात नहीं है। तो इस प्रकार के साधकों को गुरु की आवश्यकता होती है और आप जब ऐसी साधना करोगे तो सिर्फ 1 महीने में आपको बहुत से चमत्कारिक अनुभव होंगे। यदि आप जीवन में कुछ विशेष अनुभव चाहते हो तो 3 से 4 घंटे ध्यान करो, तब आपको यह समझ में आएगा कि गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप बिना डरे ध्यान करो, कुछ और नहीं सोचना है कि गुरु के बिना यह नहीं हो सकता। और आखिर में आपको एक बहुत काम की बात बता दूं कि जैसे आपको अच्छे गुरु की तलाश होती है वैसे ही हर गुरु को एक अच्छे शिष्य की तलाश होती है और आपको आपके गुरु मिल ही जाएंगे। तो आप बस ध्यान को पूरा मन लगा के करो।